दोस्तों, स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन का सेवन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं और वो भोजन आपके शरीर में सही ढंग से ना पचे, तो इससे हमारे शरीर में ना सिर्फ पोषक तत्वों की कमी होती है, बल्कि कई अन्य समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। पाचन क्रिया में गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाली मुख्य समस्याएँ जैसे भूख का न लगना, पेट में भारीपन, पेट फूलना, अपच, खट्टी डकारे आना, शरीर में थकान जैसी समस्याएँ दिखने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको खाना ना पचने या कब्ज की समस्या रहती है, तो आज हम इस वीडियो में आपको दो टैबलेट के बारे में बताएंगे, जिसमें एक आयुर्वेदिक है और एक एलोपैथिक है। दोनों का रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को पचाने में। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और दवाओं से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी ये मेरे पास यूनी एंजाइम टैबलेट और जिमजिम टैबलेट है। दोनों एंजाइम टैबलेट है, दोनों भोजन को पचाने का काम करती हैं। एक आयुर्वेदिक है तो एक एलोपैथिक। दोनों का रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। पहले हम इन दोनों के कॉमन बात जान लेते हैं। यूनी एंजाइम टैबलेट की बात करें तो इसको टोरेंट फार्मा कंपनी बनाती है। टोरेंट भारत के टॉप 10 कंपनियों में आती है। इसके सभी दवाओं के रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आते हैं। यह 15 गोली के एक स्टिम में आती है, जिसकी MRP 70 रुपये 60 पैसे होती है। यानी ये आपको 5 रुपये पर टैबलेट के आसपास पड़ेगी। वहीं इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फंगल डाइस्टेज 100 मिलीग्राम, पापेन 60 मिलीग्राम, एक्टिवेटेड चारकोल 75 मिलीग्राम पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जब उनको खाना ना पचने या कब्ज की समस्या होती है। तो अब बात करें जिमजिम टैबलेट की, तो दोस्तों इसको प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके 15 गोली की MRP 37 रुपये 50 पैसे होती है। यानी ये आपको 2 रुपये के आसपास एक टैबलेट पड़ेगी। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें काली मिर्च 50 मिलीग्राम, सौंठ 30 मिलीग्राम, सफ़ेद जीरा 30 मिलीग्राम, लहसुन 30 मिलीग्राम, कुटकी 30 मिलीग्राम, शोधित हींग 30 मिलीग्राम, आंवला 5 मिलीग्राम, इंद्रियान 15 मिलीग्राम, पिपली 15 मिलीग्राम, काला नमक 10 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है। इसमें सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स पड़ी होती हैं। इसके सेवन से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। अब बात करते हैं दोनों में बेस्ट कौन है। तो बेस्ट या बेहतर के मामले में तो यूनी एंजाइम टैबलेट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि एक ब्रांड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसको काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। और वहीं जिमजिम टैबलेट की भी बात करें तो यह भी बेस्ट काम करता है, लेकिन यह एक आयुर्वेदिक टैबलेट है तो थोड़ा धीरे काम करता है। अगर आपको नॉर्मल भूख की कमी है, कब्ज है, तो इसमें यह बेस्ट काम करता है। लेकिन किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा दिनों से भूख नहीं लगती है, कब्ज की समस्या रहती है, गैस बनती है, पेट फूल जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट टैबलेट यूनी एंजाइम टैबलेट ही होती है, क्योंकि यह एक सर्टिफाइड टैबलेट है। इसको काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप जिमजिम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा दिनों से गैस कब्ज से परेशान रहते हैं, तो आप यूनी एंजाइम टैबलेट का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कोई भी एंजाइम टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप खाना खाएं, उसके तुरंत बाद एक टैबलेट इस्तेमाल कर लें। आपको पेट का खाना आसानी से पच जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, कब्ज गैस से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।